जी थैंक यू सो मच, आप सब आए हमारे इस खास दिन के, आप सब लोग इस विटनेस किया आपने, और ये एक्चुअली हमारे लिए भी कुछ नया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो उन सब लड़कियों को वेलकम करेगा जिनमें जीने का जज्बा है, जो कुछ कर दिखाना चाहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गिफ्टेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत खूबसूरत हो, बट लाइफ को इंजॉय करना चाहती हैं, लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं। तो 12 साल से 20 साल का एक जो एज, जो कहते हैं हमारा यूथ, जो हमेशा करियर वाइज या थोड़ा बहुत डाइवर्ट रहता है, उन्हें पता नहीं होता, सो कोशिश है कि उस तरह के एनर्जेटिक यूथ को हम सेलेक्ट करें और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे ग्रूम करके लाएं और वो परफॉर्म करें और अपने फैंस के साथ वन टू वन लेवल पे इंटरेक्ट। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी फेक है, लेकिन आपकी कंपनी हमें सांस देती रही है नए नए लड़के लड़कियों को। जी एक चीज़ बंद हो जाएगी ये चीज़ें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू टैलेंट जो है उसे ग्रूम करने में जो मज़ा होता है, बिकॉज आप जो किरदार सोचते हैं वो जिस तरह से आप चाहते हैं, वो बिकॉज कहते हैं ना रॉ होते हैं, तो उन्हें वो जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं वो इनोसेंसी वो अलग ही होती है। सो कोशिश है कि हम उसी तरह के टैलेंट को बनाएं और वो म्यूज़िक के थ्रू, अपने पैशन डांस के थ्रू, अपने उस जो हमने पूरा प्रोसेस हमने जिया है उनके साथ, जो ग्रूमिंग प्रोसेस रहा है, उस प्रोसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं जो मैसिव हो, जो बहुत ग्रैंड हो, जहाँ पे वो परफॉर्म करें और अपने फैंस के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट हों। ये जो है MUM 48, कोई मम कह रहा है, कोई मुंबई कह रहा है, दरअसल ये मुंबई 48 है जिसको हमने MUM 48 कहा है, बिकॉज इनकी बहुत सारी ब्रांचेस जापान, ताइपे, जकार्ता, सो अब ये सी मीडिया में ही है भाई, हम मीडिया के अंदर ही है, मीडिया का ही पार्ट है, बिना मीडिया के इम्पॉसिबल है। आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आई एम श्योर आगे भी आप इस तरह के कॉज को, इस तरह के हमारे एफर्ट को दुनिया तक, लोगों तक आप ही लोग पहुंचाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। 48 का इम्पोर्टेंस ये है कि 48 गर्ल्स होंगी। अच्छा, ओके। इसलिए तो MUM, बिल्कुल ये गर्ल पावर है, ये बिल्कुल हमारी प्यारी और हमारी जितनी जो लड़कियाँ हैं देश भर की, ये उनके लिए है। जी सो अब जब ये इस लॉन्च के बाद हमारी टीम जो है वो इसे डिजिटल लेवल पे, प्रिंट लेवल पे लोगों तक पहुंचेगी और हमारे ऑडिशंस होंगे जहाँ पे हम उस टैलेंट को, जो लोग हैं जो ये इस ग्रुप का, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट होना चाहते हैं, हम उस तरह से 48 गर्ल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, मुझे तो पहले 2 मिनट समझने में लगे कि ये होता क्या है, फिर लेकिन ये ज़रूर पता चला कि और वो हमेशा उसके लिए लड़ती रही हैं, और आज उसके लिए उन्होंने पहला ऐसा कदम उठाया जो कि पहले भी वो उठा चुकी टेलीविजन शोज से, फिल्म पिंक से, और आज ये MUM 48, मेरे बार बार मुँह से मुंबई 48 निकल रहा है पता नहीं क्यों, बट MUM 48 इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग स्टेप। मेरी जितनी समझ में आया कि वो ये है कि 12 से 20 साल की जितने भी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ दुनिया के सामने आना चाहती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। आई थिंक उनको नर्चर किया जाएगा, उनके टैलेंट को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको दुनिया के सामने लाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चों को मना करते हैं, लेकिन जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो उन वो रास्ता फिर सही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप डरते हैं कि कहीं ये फेल ना हो जाए या पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, सोसाइटी गड़बड़ बोलेगी, रॉन्ग बोलेगी, बट जब सब सही हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म जो है वो उस चीज़ को मान्यता देगा, रिस्पेक्ट देगा और माँ बाप को इस डर से निकालेगा कि बच्चों को आगे, लड़कियों को आगे बढ़ने देने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उनको प्रसन्नता पूरा करने में ये MUM 48 बहुत बहुत मदद करेगा। इट्स अ वेरी बिग स्टेप, कंग्रेचुलेशंस। इस इवेंट में आई थिंक मोर सरप्राइजिंगली बात ये थी कि हमें इनवाइट किया गया था तो उसमें लिखा गया था कि एक सरप्राइज़ है, एंड एट द सेम टाइम जिस अभी जो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि एक टैलेंट को नर्चर किया जाएगा और ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट के साथ, ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगता है लोगों को अडाप्ट करने के लिए, बट हर एक चीज़ जब पहले नहीं होती है तो पहला ऐसा ही होता है कि थोड़ा वक्त लगता है उसे समझने में। आई थिंक मैंने लोगों को उनसे बात करके समझते हुए पूछते हुए देखा कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली और ये पता लगा कि इट्स बेसिकली बहुत ऑलरेडी बाहर इंडोनेशिया, जापान और सब जगह पे ये चल रहा है, जहाँ पर बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़े लेवल पर है, और इस बार ये इंडिया में बाय रश्मि जी की खुद की कंपनी के साथ एसोसिएट होकर इंडिया में एज मुंबई MUM 48 के नाम से शुरू होगा। और यस, इन द स्टार्ट शायद शुरुआत में लोगों को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर जाएगा, बहुत ही बड़े लेवल पर जाएगा। थोड़े वक्त की इंतज़ार है, उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं क्या होने वाला है।
रश्मि जी के साथ मैंने 2 साल काम किया है, साथ निभाना साथिया में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारा शो भी नंबर 1 था और सडनली ऑफर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, रश्मि जी के साथ हमारा एसोसिएशन चालू है और आई थिंक ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। MOOM48 ये इंटरनेशनल बैंड है, आई थिंक जापान का बैंड है और बहुत सारे कंट्रीज़ में है, गुड दे आर हियर इन इंडिया ऑल्सो। हमारे वहाँ बहुत ही सिंगिंग डांसिंग है, बहुत टैलेंट है, भरपूर है हमारा देश टैलेंट से सिंगिंग डांसिंग के लिए। तो उन सारे सिंगर्स और डांसर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करने के लिए, हर जगह जाके परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मूव बाय रश्मि शर्मा टू जॉइन हैंड्स विद MOOM48। ऑल द बेस्ट हो। जी हाँ, हर टेक्निकल लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, मेकिंग से लेकर बैकग्राउंड एवरीथिंग, मतलब एडिटिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, बहुत ही एडवांस हो चुका है। टेलीविजन जो क्योंकि सांस के टाइम पे था उससे बहुत ही आगे है और आई थिंक अभी तो उससे भी ज़्यादा आगे वेब फिल्म्स आ गई हैं, वेब सीरीज़ आ गई हैं जो लोग अपने मोबाइल पे देखते हैं, तो एक वो एक थर्ड टीवी हो गया है, छोटा टीवी हो गया है मोबाइल। तो वेब सीरीज़ आज इंडिया में बहुत ज़्यादा बन रही हैं, एकता भी बना रही है, तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आई मीन हर तरह का एवेन्यूज खुल गए हैं हम एक्टरों के लिए। आपके लिए भी क्या, मतलब रनी प्रोजेक्ट क्या क्या है? मेरा अभी एक बहुत ही बेहतरीन शो चल रहा है सोनी पे, एक दीवाना था, जहाँ मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ और बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। इस प्रोडक्शन हाउस से कुछ 3 साल से जुड़ा हूँ और मैंने इनके 2 शोज़ कर लिए हैं लगातार बैक टू बैक। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस टू वर्क विद। और अभी जो ये लोग वेंचर करने वाले हैं, जो ऐप लॉन्च हुई है जो वुमेन एम्पावरमेंट की है, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली वर्क। हमारे देश में औरतों को सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए वो डिज़र्व करती हैं और ये वो कदम है जो उन्हें सम्मान दिलवाएगा। जी फिलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ क्राइम अलर्ट करके, दंगल पे आता है, उसमें एंकर हूँ मैं, अनूप सोनी हूँ दंगल का। तो एक वो शो चल रहा है, बाकी कुछ शोज़ हैं जो पाइपलाइन में है जिसके बारे में अभी बता नहीं सकता। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी ढेर सारी दुआएं हैं रश्मि और पवन को। मुझे आइडिया था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये बहुत ही एज ए वुमेन बहुत ही गर्व की बात है कि कोई एक औरत ऐसा कर रही है, इस चीज़ को लेकर आ रही है इंडिया में। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि बॉम्बे में है तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और बस ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। हम लोग बिग बॉस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? गुड गेम है ना, क्योंकि चलो अभी आपने पूछा है तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं विकास के बहुत करीब रही हूँ, तो मैंने शिल्पा को ज़्यादा पसंद नहीं किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ था। और उन्होंने बाहर निकल के ये कहा कि सलमान जी ने उनको ये कहा है कि विकास का उसमें कोई हाथ नहीं था, तो तब उनको पता चला या ये पहले से पता था और फिर भी गेम चल रही थी। चलो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो जीत चुकी है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, अच्छा गेम था।